स्वागत है आप सभी का एशियन तुर्की जीके चैनल पर। तो हम चर्चा करेंगे शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी प्रश्नों पर। इसके पिछले वीडियो में भाग 13 में अब तक 326 शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने मिस किया है तो आप शारीरिक शिक्षा वाले प्लेलिस्ट में जा करके उन तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप देख सकते हैं। आइए हम और आप मिलकर शारीरिक शिक्षा के ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करें। प्रश्न नंबर 327, हॉकी। हॉकी खेल के क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई बताइए। तो हॉकी खेल के क्षेत्र की लंबाई कितनी होती है? सबसे पहले लंबाई बताइए, वो भी मीटर में बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 91.4 मीटर। ये हो गई हॉकी खेल के क्षेत्र की लंबाई। अब चौड़ाई कितनी होती है ये भी बताना है। जी हाँ, इसकी जो चौड़ाई होगी वो 55 मीटर होगी। कितनी मीटर? 55 मीटर। ठीक है ना, अब इन प्रश्नों को पढ़ना नहीं है, याद करना है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 328। हमारे उत्तर आने से पहले आपका उत्तर आना चाहिए, ठीक है ना। आपने बहुत अच्छे से तैयारी किया है तो इन प्रश्नों का जवाब दीजिए। हॉकी खेल के क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई गज में बताना है, क्योंकि कभी कभी मीटर में तो कभी कभी गज में भी पूछा जाता है। तो आपको बताना है हॉकी खेल के क्षेत्र की लंबाई गज में बताना है। कितनी लंबाई होती है? देखिए होती है 100 गज। अगर ये पूछा जाए हॉकी खेल के क्षेत्र की चौड़ाई कितने गज होती है तो 60 गज। ठीक है ना, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखना है। चलिए प्रश्न नंबर 329, बहुत जल्दीबाजी ना करें। ये सभी प्रश्न नौकरी दिलाने वाले प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को पढ़ के आप ज्ञानी तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन जो परीक्षा में प्रश्न आने हैं वो प्रश्न आपको इसमें मिल जाएंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए हॉकी स्टिक को कितने भागों में बांटा गया है? तो हॉकी स्टिक को 3 भागों में बांटा गया है। वो तीनों भाग कौन कौन से हैं? एक है हैंडल, दूसरा है हेड और तीसरा है स्प्लाइस। तो ये है हॉकी स्टिक के 3 भाग। हमें उतने पढ़ना है जितने से है ना नौकरी हमें मिल जाए। बहुत ज्ञानी बनने के लिए ना पढ़िए, नहीं समय आपका बर्बाद होगा। केवल एग्जामिनेशन ओरिएंटेड पॉइंट जो आपके परीक्षा के लिए जरूरी है, केवल हम उसी पर बात कर रहे हैं। हम आपका समय बिल्कुल बर्बाद नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। आपने बहुत अच्छे से तैयारी किया है, उन्हीं प्रश्नों पर हम अभ्यास कर रहे हैं। क्या इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए क्या ये फर्जी है? बिल्कुल नहीं फर्जी है, ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। नहीं विश्वास होता तो इन प्रश्नों को देख करके मिला लीजिए, है ना। UPTGT, PGT, KVS, DSSB ऐसे कई परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं और इनमें से कई प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। केवल उन्हीं प्रश्नों पर हम चर्चा कर रहे हैं। कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से आप प्राप्त करें, ठीक है ना। और कोशिश करिए इसको नोट करते चलिए। इसीलिए मैंने केवल और केवल क्वेश्चन लिखा है। क्यों लिखा मैंने? जानबूझ के, ताकि इसका उत्तर हमें ढूंढना पड़े, है ना। चलिए प्रश्न नंबर 330, मेजर ध्यानचंद ओलंपिक कप्तान कब बने? मेजर ध्यानचंद को ओलंपिक कप्तान कब बनाया गया था? किस ओलंपिक में मेजर ध्यानचंद कप्तान थे? ये इसका क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। मेजर ध्यानचंद आपने सुना ही होगा, है ना। 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है और जो मेजर ध्यानचंद जो ट्रॉफी है इसकी जो शुरुआत हुई थी 2002 से हुई थी। देखिए जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उस पर हम चर्चा कर ले रहे हैं। मेजर ध्यानचंद जो ट्रॉफी है इसकी शुरुआत कब से हुई थी? सन 2002 से हुई थी। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि मेजर ध्यानचंद को किस ओलंपिक में कप्तान बनाया गया था? तो आपकी तरफ से उत्तर आना चाहिए और आप बताइए। जी हाँ,
1936 बर्लिन ओलंपिक में, बर्लिन ओलंपिक खेल में जो है मेजर ध्यानचंद को ओलंपिक कप्तान बनाया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न 331, भारत में महिला हॉकी क्लब की स्थापना कब की गई? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, आप बताइए भारत में महिला हॉकी क्लब की स्थापना किस वर्ष की गई थी, सन बताना है। चलिए सन भी हम आपको दे दे रहे हैं, ऑप्शंस भी 1972, 1973, 1974 या 1975। चलिए बिल्कुल सही कहा आपने कि 1974। नहीं पता है तो इसको नोट कर लीजिए, इसको पढ़ना नहीं है, इसको याद करना है ना, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। और वीडियो को दौड़ा करके देखने की आदत छोड़ दीजिए, क्योंकि इसमें हमने फर्जी प्रश्न रखा ही नहीं है। क्यों वीडियो को दौड़ा रहे हो? आपके पास अपने लिए टाइम नहीं है, आपके पास अपने भविष्य को बनाने के लिए समय नहीं है। 10 से 10 मिनट का वीडियो है, 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा, इसमें 50 से ज्यादा प्रश्न है, इसमें वो भी एग्जामिनेशन ओरिएंटेड। अब इन प्रश्नों को अगर आप छोड़ छोड़ के पढ़ेंगे तो फिर पढ़ेंगे क्या आप, ये बता दीजिए, ठीक है ना। इसलिए वीडियो को दौड़ाइए नहीं, नोट करते रहिए। प्रश्न नंबर 332, एशियाई खेलों में हॉकी को कब शामिल किया गया? क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए, एशियाई खेलों में हॉकी को किस वर्ष शामिल किया गया? चलिए बिल्कुल सही कहा आपने कि 1958 में, 1958 में एशियाई खेलों में हॉकी को शामिल किया गया। और ये जो एशियाई खेल हुआ था 1958 में कहां पर हुआ था? ये टोक्यो में हुआ था। टोक्यो कहां पड़ता है? ये जापान की राजधानी है ना, बार बार मत टोक्यो, यानी जापान की राजधानी टोक्यो। चलिए प्रश्न नंबर 333, पिल्ले का पूरा नाम क्या होगा? धनराज पिल्ले, है ना, पिल्ले का पूरा नाम क्या होगा? धनराज पिल्ले को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस वर्ष मिला? अगर ये पूछा जाए कि खेलों में सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा होता है, तो वो खेल रत्न पुरस्कार होगा, वो भी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है ना। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1991 में हुई थी, है ना। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार धनराज पिल्ले को किस वर्ष मिला, जल्दी बताइए। तो सही कहा आपने 1999 और सन 2000 में इनको ये पुरस्कार मिला था। चलिए अगला प्रश्न 334, हॉकी हमारे देश की राष्ट्रीय खेल है ना, हॉकी में सर्वप्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे मिला था? उत्तर आ जाना चाहिए आपकी तरफ से, हॉकी में सर्वप्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे मिला? अच्छा ये बताइए कि द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1985, यानी कि 85 वर्ष के द्रोणाचार्य, यानी 1985। ये भी परीक्षा में कई बार पूछा जाता है, तो बताना क्या है, हॉकी में सर्वप्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया गया, जल्दी बताइए। M.K. कौशिक, कई बार पढ़ा आपने, फिर एक बार पढ़िए, अभ्यास कीजिए ताकि गलत ना हो। परीक्षा में कौन से प्रश्न गलत होते हैं? वही प्रश्न गलत होते हैं जो बहुत सरल होते हैं, तो उन सरल प्रश्नों का अभ्यास करिए ताकि ये क्वेश्चन गलत ना हो। ऐसे गलतियां कब तक करते रहेंगे, समय आपका निकलता जाएगा, इसलिए अभ्यास करते रहिए, करत करत अभ्यास से मूर्ख होत विद्वान, यानी कि कितना भी कम बुद्धिमान व्यक्ति हो अभ्यास करता रहे एक दिन विद्वान हो जाएगा, और कितना भी विद्वान व्यक्ति हो अभ्यास करना छोड़ दे तो जड़ बुद्धि का हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 335 की तरफ चलते हैं, हॉकी में सर्वप्रथम अर्जुन पुरस्कार, हॉकी में सर्वप्रथम अर्जुन पुरस्कार किसे मिला? चलिए आपकी तरफ से उत्तर आना चाहिए, हॉकी में सर्वप्रथम अर्जुन पुरस्कार किसे मिला? सही उत्तर पृथ्वी पाल सिंह, किसको? पृथ्वी पाल सिंह को। और इसके अलावा, पृथ्वी पाल सिंह के अलावा M. लुम्बडन, क्या नाम है इनका? M. लुम्बडन,
1961 में ये पुरस्कार मिला था। इसमें 1961 में अगर ये कहा जाए कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो 1961 से हुई थी। अगर ये कहा जाए हॉकी में सबसे पहले अर्जुन पुरस्कार किसे मिला, तो पृथ्वी पाल सिंह और एम लुम्बडन को 1961 में ये पुरस्कार मिला था। नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय हॉकी संघ की स्थापना किस सन में हुई? बताओ, हमारे देश की राष्ट्रीय खेल है हॉकी, उसके बारे में नहीं पता कि इसकी स्थापना कब हुई। अंतरराष्ट्रीय हॉकी संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? 1924। नोट कर लीजिए इसको। प्रश्न नंबर 337, हॉकी ओलंपिक खेलों में पहली बार कब शामिल किया गया, यानी जो है हॉकी जो खेल है ये किस ओलंपिक खेलों में पहली बार शामिल किया गया था, ये जवाब देना है। इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी बताइए। हॉकी ओलंपिक खेलों में पहली बार कब शामिल किया गया? 1908 में लंदन ओलंपिक खेल में शामिल किया गया था। चलिए महत्वपूर्ण प्रश्न था ये, क्वेश्चन नंबर 338। भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी में प्रथम बार कब भाग लिया? क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, भारत ने ओलंपिक खेलों में, दुनिया का सबसे बड़ा खेल कौन सा है, ओलंपिक खेल, भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी में पहली बार कब भाग लिया था, ये बताना है। सही उत्तर 1928। इस सन को याद कर लीजिए, इस सन को नोट कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 349 की तरफ बढ़ते हुए, सोचिए अब तक हम 338 शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर चुके हैं, है ना। चलिए प्रश्न नंबर 339, भारत को एशियाई खेलों में पहली बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब मिला? भारत को एशियाई खेलों में, देखिए एशियाई खेलों की जो शुरुआत हुई थी 1951 में शुरुआत हुई थी, नई दिल्ली में हुई थी, है ना। चलिए तो भारत को एशियाई खेलों में पहली बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब मिला? वैसे जो हॉकी है इसको शामिल किया गया था 1958 में, लेकिन भारत को पहली बार हॉकी में स्वर्ण पदक किस वर्ष मिला, ये बताना है। जी हाँ, सही उत्तर 1966। कब? 1966 में। इसमें हुआ क्या था, भारत 1966 में बैंकॉक यानी थाईलैंड में पाकिस्तान को 1-0 से हरा करके ये स्वर्ण पदक हासिल किया था। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण था। प्रश्न नंबर 340 देखिएगा, इसका उत्तर तो आपकी तरफ से आ ही जाना चाहिए। टू हेल विथ हॉकी, ये किसकी आत्मकथा है, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही कहा, असलम शेर खां। असलम शेर खां, ये है टू हेल विथ हॉकी आत्मकथा किसकी, असलम शेर खान की है। चलिए प्रश्न नंबर 341, भारत के प्रथम हॉकी अंपायर, हॉकी होना चाहिए था, भारत के प्रथम हॉकी अंपायर का नाम बताइए। जी हाँ, जल्दी बताइए, भारत के प्रथम हॉकी अंपायर। ऑप्शंस के सहारे मत बैठिए, ऑप्शंस आपके सहारे बैठा हुआ है, ऑप्शंस के सहारे रहने वाले गलत ही करके आते हैं। कोई गुप्ता थे, कौन से गुप्ता, पंकज गुप्ता, है ना। तो अभ्यास करते रहिए ताकि गलत ना होने पाए, कम से कम में ज्यादा, सभी प्रश्न नौकरी दिलाने की क्षमता रखते हैं, है ना। ज्ञानी तो नहीं हो पाएंगे इससे आप, लेकिन आपको नौकरी मिल जाएगी। टारगेट क्या है, नौकरी प्राप्त करना। चलिए, हॉकी वर्ल्ड कप प्रारंभ करने वाला देश, किस देश ने सबसे पहले हॉकी वर्ल्ड कप प्रारंभ किया था, पाकिस्तान में, ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 343, पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल बता दीजिए क्या है। चलिए तो पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। नेपाल का राष्ट्रीय खेल बता दीजिए, ना पड़ोसी देश है, बाउलिंग। नेपाल का राष्ट्रीय खेल है बाउलिंग, ठीक है ना।
श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल बता दीजिए। वॉलीबॉल है ना, तो सब चीजें ध्यान दे रहिए, ध्यान दीजिए है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 343, बैडमिंटन के शटल कॉक में पंखों की संख्या कितनी होती है? बहुत आसान प्रश्न है, ऑप्शन दे दे, 14, 15, 16, 17। बिल्कुल सही कहा आपने, 16। और ये जो पंख होते हैं वो किसके बने होते हैं? ये बतख के पंख होते हैं है ना, ये मजबूत होते हैं, इसीलिए बतख के पंखों का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न 344, सोचिए 344 नंबर पर हम लोग पहुंच चुके हैं, आना कितना है 130 क्वेश्चन है ना। युगल स्पर्धा के लिए कोर्ट का आकार कितना होना चाहिए? एकल स्पर्धा के लिए नहीं, युगल स्पर्धा के लिए बैडमिंटन में कोर्ट का आकार क्या होना चाहिए? युगल, यहाँ पे देखिए बैडमिंटन नहीं लिखा, लेकिन हम बोल दे रहे हैं बैडमिंटन में युगल स्पर्धा के लिए कोर्ट का आकार कितना होना चाहिए, कितनी लंबाई होनी चाहिए और कितनी चौड़ाई होनी चाहिए, ये बताना है। तो आप भी बता सकते हैं, जी हाँ जल्दी बताइए। तो सही कहा आपने, 44 फीट लंबा, कितना 44 फीट लंबा और इसकी जो चौड़ाई होनी चाहिए वो चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, 20 फीट लंबा, 20 फीट लंबा, ठीक है ना। ये है युगल स्पर्धा के लिए कोर्ट का आकार, 44 फीट लंबा और 20 फीट चौड़ा होना चाहिए। लेकिन अगर ये पूछ ले जाए एकल स्पर्धा के लिए कोर्ट का आकार कितना होना चाहिए, कितनी लंबाई होनी चाहिए और कितनी चौड़ाई होनी चाहिए, तो एकल स्पर्धा के लिए वो भी बैडमिंटन में, तो जो लंबाई होगी 44 फीट लंबाई होगी, लेकिन जो चौड़ाई होगी उसकी वो 17 फीट चौड़ाई होगी उसकी, है ना। 44 फीट लंबा है, चौड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए इसको सही कर लिया करिएगा आप लोग भी, ठीक है ना, कहीं बाई चांस मिस्टेक हो जाए तो क्षमा करेंगे आप लोग, तो आप भी थोड़ा ध्यान देते रहिएगा। हम बात कर रहे थे बैडमिंटन में एकल स्पर्धा के लिए कोर्ट का आकार, तो एकल स्पर्धा के लिए 44 फीट लंबा सेम रहेगा, लेकिन उसकी चौड़ाई जो होगी वो 17 फीट हो जाएगी, कितना हो जाएगा 17 फीट चौड़ा हो जाएगा एकल स्पर्धा के लिए। देखिए हम बार बार एक ही चीज को इसलिए बोल रहे हैं ताकि परीक्षा में गलती ना हो, बाकी मेरा दिमाग नहीं खराब है, ये भी ध्यान रखना है ना, याद होना चाहिए। जब आप अभ्यास करेंगे, कई बार बोलेंगे सुनेंगे तब याद होगा, जो खुद पढ़ना वो अलग चीज है, लेकिन जब कोई चीज उसे बताता है, कोई चीज कोई उसे उस प्रश्न को बताता तो जल्दी याद हो जाता है। आप इसी चीज को पढ़ते रहिए, जल्दी नहीं याद होगा, लेकिन कोई आपको बता दे कि ऐसा ऐसा इसमें है तो आप सुन करके देख करके जल्दी याद कर लेते हैं, है ना। इसलिए देखिए सुनिए प्रश्न नंबर 345 देखिएगा। पी गोपीचंद, इनका पूरा नाम क्या होगा, पुलैला गोपीचंद, तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। पुलैला गोपीचंद को खेल रत्न पुरस्कार, यानी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार कौन सा है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, इन्हें किस वर्ष मिला था ये बताना है। सही उत्तर सन 2000 और 2001 में गोपीचंद को, पुलैला गोपीचंद को खेल रत्न यानी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न नंबर 346 देख लीजिए। सर्वप्रथम बैडमिंटन में अर्जुन पुरस्कार किसे मिला था, बहुत ही प्यारा प्रश्न, सर्वप्रथम बैडमिंटन में अर्जुन पुरस्कार किसे मिला था? नंदू नाटेकर, क्या नाम है इनका, नंदू नाटेकर को 1961 में, कब 1961 में नंदू नाटेकर को सर्वप्रथम बैडमिंटन में अर्जुन पुरस्कार मिला था। ये नाटेकर साहब को याद कर लीजिए, ये आपको नौकरी दिलवा सकते हैं अगर याद रहा तो। अगर ये बात किया जाए 1962 में अर्जुन पुरस्कार और भी बैडमिंटन में किसे मिला, तो वो मिला मीना शाह को, 1962 में मिला था। चलिए और आगे बढ़ते हैं, एक ही प्रश्न पे बहुत ज्यादा भी नहीं बताना है, जो आता है उसी को पढ़ना है, हमें बहुत ज्यादा पढ़ के बर्बाद नहीं होना है, ठीक है ना। सर्वप्रथम बैडमिंटन में द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे मिला था,
बैडमिंटन में सबसे पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे और कब मिला? जी हाँ, जल्दी बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा एस एम आरिफ। क्या नाम है इनका? एस एम आरिफ। जगह कम होने के कारण मैंने केवल और केवल आरिफ लिख दिया है, तो उसको आप नोट कर लीजिएगा। और बैडमिंटन में द्रोणाचार्य पुरस्कार 2007 में एस बी प्रसाद को भी मिला था। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट को नोट करते चलिए। प्रश्न नंबर 348 देखिएगा। बैडमिंटन स्पर्धा में एक सेट कितने अंकों का होता है? चलिए ऑप्शन देते हैं, 20, 21, 22, 23, 24। बैडमिंटन स्पर्धा में एक सेट कितने अंकों का होता है? 21। 21 अंकों का होता है। अब बाय चांस 21 अंक पे बराबर हो जाए तो इसको बढ़ा करके 22 कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो जो 22 अंक पहले प्राप्त करेगा वो विजेता होगा। प्रश्न नंबर 349, उतनी ही जरूरत थी जितनी जरूरत है, बहुत ज्यादा पढ़ के बर्बाद नहीं होना है। इस पॉइंट में दिलाने नौकरी दिलाने भर की क्षमता है, ठीक है ना। इससे ज्यादा बताएंगे तो भी गायब हो जाएगा, इससे कम भी बताना ठीक नहीं है। रैकेट की लंबाई अधिकतम नहीं होना चाहिए, रैकेट की लंबाई किससे अधिक नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चन है। भाई चांस क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आ रहा तो हम बोल रहे हैं उसको समझिए। रैकेट की लंबाई अधिकतम होना चाहिए, अधिकतम होना चाहिए, कितना होना चाहिए इसका उत्तर ये बताना है कि क्या होना चाहिए, इसका उत्तर क्या होगा। तो बैडमिंटन रैकेट की जो लंबाई है इससे अधिक नहीं होना चाहिए, किससे अधिक नहीं होना चाहिए? 680 mm, 680 mm यानी मिलीमीटर, या 27 इंच, कितना, या 27 इंच से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर ये पूछ लिया जाए कि रैकेट की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, तो रैकेट की चौड़ाई जो होनी चाहिए वो 230 mm से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये इसका कॉन्सेप्ट हो गया। प्रश्न नंबर 350 देख लीजिए, 350, सोचिए रैकेट का भार कितना होना चाहिए, या रैकेट का भार कितने से कितने ग्राम का होता है, जल्दी बताइए, आप बता दीजिए। चलिए हमारे सहारे बैठे हैं, हम आपके सहारे बैठे हैं। 80 से 100 ग्राम, पढ़ने में कोई कमी नहीं है, मुझे आपकी पढ़ाई पर कोई शक नहीं है, लेकिन याद नहीं है आपको इस पर मुझे पूरा शक है। इसलिए याद करें, अभ्यास करें, मैंने केवल प्रश्न लिखा है, उत्तर नहीं लिखा है जानबूझ करके, ताकि आपकी तैयारी हो, ताकि आपका अभ्यास हो। हम पढ़ाने नहीं आए हैं, हम वो प्रश्न लेकर के आए हैं जिससे नौकरी मिलती है। बाकी ज्ञानी तो आप हैं ही, महासागर हो आप, ज्ञान के सागर हो, हम आपको ज्ञानी नहीं बना सकते, लेकिन हाँ कुछ प्रश्न दे करके आपके परीक्षा में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, है ना। चलिए प्रश्न नंबर 351, अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? चलिए बताइए, अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इस संघ बताइए। चलिए ऑप्शन देते हैं हम, इतना आसानी से हम बताएंगे नहीं, क्योंकि याद ही नहीं होगा ना, नहीं याद होता तो ना पढ़ने के बराबर है। चलिए 1932, 1933, 1934, 1935 सब टिक करिए, अभी भी नहीं क्लियर है, नहीं क्लियर है इसका मतलब ऑल क्लियर है। 1934 तो याद कर लीजिए, ये परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है, फिर पूछा जाएगा। बैडमिंटन को एशियाई खेल में कब शामिल किया गया? पता चल गया कि हॉकी को 1958 में शामिल किया गया था, तो बैडमिंटन को एशियाई खेलों में कब शामिल किया गया, सन बता दीजिए। 1962 में बैडमिंटन को एशियाई खेलों में शामिल किया गया था। ये थे शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी प्रश्न। ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे वीडियोस को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।